हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ बॉन्ड एसएमपी सीजन 4। सो या गाइस, मैं हूँ बीबा बैटरी और लेके आ चुका हूँ बॉन्ड एसएमपी का एक और वीडियो। आई नो मैं एक छोटा सा ब्रेक लिया था यूट्यूब से, ओनली फॉर यूट्यूब से मैंने एक ब्रेक लिया था, पर मैं गेम से ब्रेक नहीं लिया गाइस। मैं गेम पे आता था, खेलता था, प्रोग्रेस करता था, बिकॉज ऑफ माय एजुकेशन प्रॉब्लम तो इसलिए मैं ब्रेक लिया था। एनीवेज, तो हम आज के जो वीडियोस में करने वाले हैं वो एकदम सिंपल सी बात है, ज़्यादा काम नहीं करेंगे क्योंकि जस्ट हम लोगों को कम बैक किया है और बहुत सारा वर्क किया है वो दिखाऊंगा। पहले आप लोगों को वो ऑफलाइन प्रोग्रेस एक एक करके थोड़ा मैजिक वगैरह करेंगे एंड या और एक फार्म का फिक्स करने की कोशिश करूँगा। दैट्स ऑल, यही है हमारा आज का शेड्यूल। तो पहली बात तो हम लोग देख सकते हो, ये पूरा जो सवाना कॉलोनी है पूरा एकदम बहुत ही ज़्यादा ऑसम लग रहा है, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल डालने की कोशिश किया है और बहुत सारे बिल्ड्स भी इंक्लूड किया और थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आर्ट भी अभी तक तैयार नहीं हुआ है। मतलब एरिया लेआउट बना चुका हूँ पर जल्दी ही मैं कंप्लीट करने की कोशिश कर रहा हूँ। आसपास पूरा एरिया इलाका एकदम बड़ा पड़ा है, लाइक इस तरफ तो नहीं है बट इस तरफ से पूरा बड़ा है, हरा भरा दिख रहा है। तो पहले हम लोग यहाँ पर लैंड करेंगे ताकि हम लोग एक एक करके देख सकते। तो या ये जो हमारा पहला बिल्डिंग है ये है हमारे ऑक्सोलोटल, मतलब एक्सोलोटल के लिए घर बनाया है ताकि ये लोग यहाँ पर रह सके। तो ये बस टाइम पास में बनाया था और यहाँ से किसी ने कंडोट चोरी कर लिया है भाई, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, आई डोंट नो किसी ने ले गया है। तो एनीवेज, तो ये हमारा एक्सोलोटल का घर एंड देन भाई यहाँ से सनसेट कितना खूबसूरत दिखता है भाई। तो ये हमारा स्पॉन एरिया है जहाँ पर मतलब हमारा इलाका का मतलब पोर्टल है। तो यहाँ पर भी मैंने ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल डालने की कोशिश किया है, तो लैंडस्केपिंग किया है बस, दैट्स ऑल। और ये तो आप लोगों को पता है हमारा ट्रेन है एंड दिस इज लुक्स, व्हाट इज दिस, इट्स अ कैट। तो ये हमारा प्रोग्रेस है, एसपीओ का प्रोग्रेस है, ये कैट लिखा है बस, दैट्स ऑल। एनीवेज, तो ये हमारा फैक्ट्री है जहाँ पर मैं सोच रहा था लाइक छोटा छोटा फार्म, कैक्टस फार्म, बैम्बू फार्म, ओके एनीवेज यहाँ पर स्केलेटन स्पॉन है तो कैक्टस फार्म बनाया है जो कि वर्क नहीं करता है। एनीवेज यहाँ पर हमारा जूम क्यों कर रहा हूँ भाई, तो ये हमारा फैक्ट्री है और ये उसके बगल में हमने बनाया है हमारा स्केलेटन फार्म का एंट्रेंस। तो या वाई नॉट, मैं सोचा कि ये टाइम है तो क्या क्यों ना मैं एक स्केलेटन फार्म के लिए एक घर बना दूँ, अच्छा भी दिखेगा, आई होप अच्छा दिख रहा है मे बी। दैट्स गुड। तो थोड़ा सा काम बाकी है, इसका भी इंटीरियर बाकी है, ये भी करेंगे बाद में। और यहाँ पर भाई सनफ्लावर सबसे बेहतरीन लग रहा है, सनफ्लावर का मतलब गार्डन बनाया है सामने छोटा सा, अंदर से पूरा खोखला है। एनीवेज इंटीरियर मैं नहीं करता। और यहाँ पर हमारा कॉपर अभी भी भाई ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो मतलब मैं बता देता हूँ कि मैंने जो ऑक्सीडाइज हो गया है वो हटा दिया है, फिर नया बनाया है लाइक हाँ। तो ये हमारा जो पूरा मेन विला है हेवन हाउस, तो इसका इंटीरियर अभी भी सुरजीत ने नहीं किया है, सुरजीत आउट ऑफ टाउन गया है, आई डोंट नो कब तक लौटेगा। तो या पता नहीं, उसको भाई कमेंट में जाके स्पैम करके बोलेंगे भाई हमारा इंटीरियर करा दो। और आप लोगों को मैप दिखा देता हूँ, आप लोग मैंने कम्युनिटी पोस्ट पर भी डाला था। तो इस साइड हमारा जो दो एरिया है ये मैं सोच रहा हूँ क्या बनाओ, मैं सोच रहा था सुपर स्मेल्टर बनाओ। और ये जो सामने एरिया दिख रहा है थोड़ा सा दूर से दिखाता हूँ, एक सेकेंड रुक जाओ। तो ये जो हमारा एकदम बगल में हेवन हाउस का एकदम बगल में जो एरिया है यहाँ पर मैं सोच रहा था हेवन हाउस को एक्सपेंड करूँगा और बाकी जो फार्म्स वगैरह है वुल फार्म, चिकन फार्म, जो रह गया है यहाँ पर वुल फार्म बनेगा और यहाँ पर हमारा फार्म्स एरिया बनेगा, मतलब लाइक जो व्हीट फार्म या फिर कैरेट फार्म जो हो, जो भी हो तो वो बनेगा। तो या होपफुली काम हो जाएगा जल्दी जल्दी से। और अंदर से अभी भी खोखला ही है। ओके, यहाँ पर मैंने एक दिन स्ट्रीम पे बनाया था एक स्टोरेज रूम, बट इट्स नॉट वर्किंग वेल, मेरे लिए बहुत जगह चाहिए, ये एनफ नहीं है, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना हम यहाँ पर नीचे हमारा स्टोरेज रूम बनाए। तो ये है हमारा स्टोरेज रूम भाई साहब, आप लोग बताओ कि ये कैसा है। पर आप लोग बोलेंगे कि ऑटोमेटिक शॉर्टेज भी बनाओ, पर ऑटोमेटिक शॉर्टेज नहीं बनाना चाहता भाई, ब्लू ब्रिज तो ओपी दिख रहा है। तो बाय द वे एक और चीज़ आप लोगों को बता देता हूँ, बीबा ट्विक्सर नया वर्जन जल्दी ही लॉन्च होने वाला है, तो बस ये वीडियो के बाद ही मैं लॉन्च कर दूंगा जल्दी में। और थोड़ा बीटा टेस्टिंग चल रहा है, डिस्कॉर्ड पे आ जाना आप लोगों को मिल जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हो तो बहुत सारे एरिया है और बेड भी लगाया है ताकि इमरजेंसी में सो जाओ। तो हाँ, ओवरऑल ये अच्छा है, काफ़ी सामान जगह हो रहा है इसमें, मतलब हो जाएगा।
मोस्ट ऑफ मेरा बिल्डिंग ब्लॉक्स जगह हो जाए तो और कुछ नहीं चाहिए, कचरा तो मैं ऐसे ही उधर उधर फेंकता रहता हूँ। पर सबसे डिफ़िकल्ट चीज़ ये है कि यहाँ से उड़ के जाना, इसके लिए मेरे को कुछ व्यवस्था करना पड़ेगा ताकि मैं जल्दी से यहाँ से निकल पाऊँ। ट्राइडेंट होता तो अच्छा होता, पर ट्राइडेंट भी नहीं है। एनीवेज तो मैं सोच रहा हूँ कि किसी को बोलूँ कि यहाँ पर कुछ रेस्टोरेंट वगैरह कमाल दिखा दें हम लोगों को। होपफुली मैं अतुल को बोलने वाला था इसके लिए, क्योंकि मेरे को डोर चाहिए इसके ओपन करने के लिए, पिस्टन डोर। तो या अतुल को बुला लूँगा मैं बाद में, अगर वो टाउन में आए तो। तो आप लोगों को कुछ सुनाना था लाइक मेरा फेलर्स की कहानी, मतलब मेरा कितने बार फेल हुआ है, इसके लिए बुलाना था आप लोगों को, मतलब हाँ बोलना था। तो यहाँ पर कचरा डाल के रखा है भाई, हद है यार। इसमें क्या है, हाँ शुगर किंग फार्म बनाऊँगा यहाँ पर मैं सोचा था। तो हाँ मैं बोल रहा था कि मेरा फेल कितने बार मैंने फेल हुआ है। तो हाँ ये जो विलेजर ब्रीडर है ये मेरा एक फेलर है जो वर्क नहीं कर रहा है फ़िलहाल, पता नहीं क्यों वर्क नहीं करता है। सेकेंड थिंग, हाँ यहाँ पर मैंने एक मैसिव ट्री फार्म बनाया था ओक ट्री का, पर ये भी फेल है। तो यहाँ पर ये जो बनाया था ये एक साइड बनाया, दूसरा साइड नहीं बनाया। और ये जो सामने आप देख रहे हो ये मेरा पूरा करियर का एक धब्बा लग गया है। मेरे को सब लोग बोल रहे कि तू जितने भी फार्म बनाता है उसमें फेल हो जाता है। तो या ये मेरा एक और फेलर फार्म है। आई डोंट नो क्यों वर्क नहीं कर रहा है। ये जावा का प्रोग्रामिंग है, मतलब जो हमारा सर्वर में जो भी फार्म्स होता है जो सब जावा का होता है, तो ये एक जावा का फार्म है, ड्राउनेट फार्म। तो ये वर्क नहीं कर रहा है, पता नहीं क्यों। मेरे अपने डिस्कॉर्ड में सभी से बात किया तो क्रिस्टल ने बताया मेरे को कि ये जो फार्म होता है यहाँ पर एक जोम्बी अंदर डालना पड़ता है, ताकि जब भी एक जोम्बी अगर डाल दिया अंदर तो वो ऑटोमेटिकली काम करना स्टार्ट कर देगा होपफुली। मैंने एक प्लेटफॉर्म बनाया पर मॉब स्पॉन नहीं हो रहा है यहाँ पर, पता नहीं क्यों। AFK नहीं करो इसलिए शायद। तो ऑल द वे यहाँ से मास्टर के एक मतलब एनिमल फार्म से, या फिर हमारा वहाँ पर एक और जोम्बी है, दो जोम्बी यहाँ पर पड़ा हुआ है, तो उनको मैं यहाँ तक लाना है, मतलब पूरा ऊपर तक। तो या आज का यही सबसे बड़ा काम है, मेरे को कुछ भी करके ये फिक्स करना है। पता नहीं क्यों मेरे को बहुत ज़्यादा आयरन मतलब कॉपर की ज़रूरत है। हाँ तो उससे पहले हम लोग एक और चीज़ करेंगे, आज थोड़ा मैजिक करने की कोशिश कर रहा हूँ, मतलब काफ़ी दिनों से, तो लेट्स सी कुछ हो पाता है कि नहीं। तो हम मैंने थोड़ा सा गड्ढा करके रखा है, तो गड्ढे में डालना है एक ब्राउन मशरूम, एक ग्लोबेरी, हमारा फ्लेक एंड क्रिस्टल भी डालना जरूरी है ताकि ग्लो हो, और थोड़ा सा कैंडल भी डाल देता हूँ ताकि अच्छा लगे। और ये सब डालने के बाद हम लोगों को क्या करना है, कॉपर ब्लॉक से, ऑक्सीडाइज्ड कॉपर ब्लॉक से ढक देना है। तो ये चीज़ मेरे को मनोज ने बताई है, पर आई डोंट नो क्या वर्क करेगा कि नहीं, पता नहीं भाई। अगर वर्क नहीं किया था तो मनोज को बहुत मारूंगा मैं जाके भाई। तो हाँ तो यहाँ पर मैं रेड मशरूम डालूंगा और थोड़ा मेरा बैनर, थोड़ा सा ये भी डालूंगा, हनीकॉम्ब, सब कुछ डाल दिया। हाँ ठीक है, एनफ है। तो ये भी डाल दिया मैंने, लेट्स सी ये भी उगता है कि नहीं। तो पता नहीं ये एक स्पेशल ट्री उगेगा, उसने बताया कि ऐसे करेंगे तो आई डोंट नो होगा कि नहीं, पर ये ज़्यादातर मतलब बेवकूफ़ी लग रहा है मेरे को पर होपफुली अगर हो जाए तो भाई बहुत मज़ा आएगा। मेरे को उड़ने में बहुत दिक्कत होता है। हाँ तो अच्छा, मेरे कमेंट में बहुत लोग बोल रहे कि सूर्यजीत ने कुछ यहाँ पर लफड़ा किया है, तो ये भी मेरे को पता चला है कि सूर्यजीत ने अपने पास इतना काव कैसे जमा किया है, ऑल द वे फ्रॉम माई फार्म, मेरे फार्म हाउस से उसने पूरा। ओके काफ़ी अच्छा घर बनाया है। एनीवेज मैं उसका भी देख लूँगा बाद में क्या करा जा सके, तो जब वो ऑनलाइन आएगा देखेंगे बात करके कि भाई तूने क्यों लाया मेरा काव, उसका पैसा कौन देगा। हाँ तो यहाँ पर हमारा पीछे के एरिया पर मैंने एक रेड फार्म बनाया, क्योंकि रेड फार्म की ज़रूरत होती है भाई। आप लोगों को पता है कि मैं मरता रहता हूँ तो टोटम रहेगा तो जान तो बचेगी कम से कम। हाँ तो यहाँ पर मैंने रेड फार्म बनाया है, ये जावा का फार्म है आप लोगों को पता ही है, तो मैंने कहाँ से बनाया आप लोगों को भी बताया। एनीवेज तो ट्यूटोरियल है देख लेना, सिंपल सा है एकदम, बस सिंपल सा है और यहाँ पर कुछ नहीं है। तो ये है पहला राउंड जो मैंने मतलब रेड हुआ, पहला रेड, उसमें बहुत सारा टोटम मिला। ओके ये पहला रेड, ये सेकेंड रेड का आइटम्स है, ये थर्ड रेड का आइटम्स है, और ये नहीं है, बाकी कुछ नहीं है।
ओके मैंने तीन तीन रेड किया है तो तीन रेड से मेरे को काफ़ी ज़्यादा टोटम मिल चुका है। तो यहाँ पर आता है तो जस्ट मारना है उनको। मैं टोटम ले लेता हूँ हाथ पे, और ये भी वीवर ट्विक्स का कमाल है वेदर टोटम, मेरे को अच्छा लगा इसलिए मैंने ये टेक्सचर यूज़ किया है। एनीवेज वो भी आ जाएगा। करना क्या है, ये सिंपल सी बात है भाई, वहाँ से जाना है यश के घर के पीछे, बेडोमैन लेके आना है, बस हो गया काम ख़त्म। तो अब हम लोगों को करना क्या है, तो हाँ जोम्बीज दिखाना है, कहाँ कहाँ पर है जोम्बी। ओके ओके, तो यहाँ पर एक जोम्बी है। मैंने सारा सामान कलेक्ट कर लिया है, देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा ब्लॉक्स भी है एंड कार्ट भी बना लिया और रेल्स भी बना लिया। भाई आयरन का कोई मतलब दिक्कत ही नहीं है, आयरन बहुत ज़्यादा है हमारे पास, आयरन के लिए हम लोग कभी बोलते नहीं, तो इसलिए मैंने काफ़ी ज़्यादा ही बना दिया रेल, जो लगेगा लगेगा बाद में छोड़ देंगे। तो यहाँ पर एक जॉम्बी है जिसका पास आर्मर वगैरह है, और यहाँ पर एक और दूर रुक जाओ एक सेकंड, मास्टर का घर किधर है भाई, तो ये रहा मास्टर का घर, और इसके फार्म में, अरे रुक जा, फार्म में एक और जॉम्बी है। तो मैं सोच रहा हूँ कि ये आसान होगा क्योंकि ये एकदम बिल्कुल पास है जॉम्बी, तो सोच रहा हूँ इसको ही ले जाओ। देखते, पर उसके पास आर्मर है, इसके पास आर्मर नहीं है, इसके रात को ही लेके जाना पड़ेगा। भाई बहुत दिमाग ख़राब हो रहा है मेरा। ओके ओके, ये यहाँ से चला जाएगा, हाँ ठीक है, ये एरिया नहीं, ओके यहाँ से जाएगा तो सही से जाएगा, ठीक है। तो हाँ ये मेरे को बनाना पड़ेगा। ओके भाई बहुत मेहनत लगेगा भाई, एक एक करके ऐसे लगा लगा कर जाना पड़ेगा। तो यार टाइमलेस, होपफुली मैं टाइमलेस ही डालूंगा क्योंकि आई नो यार काम पूरा नहीं होने वाला है, टाइमलेस ही डालना पड़ेगा बहुत देर तक। ओ भाई ये BSL वाला लुक दे रहा है शेडर, ये शेडर भी मस्त है भाई। आई नो शेडर का लिंक मांगोगे तो मैं दे दूंगा शेडर का लिंक, इट्स ओके। तो लेट्स स्टार्ट द टाइमलेप्स गाइस। ओके इट्स टाइम टू डिलीवर द जोम्बी। तो या इसके पहले हम लोग को इसका ट्रैप डोर तोड़ना पड़ेगा, पर इसे ये मेरा हाथ क्यों नहीं आ रहा है भाई। ओके ये हाथ आ गया, तो ये टूट चुका है, पर इसको निकालने के लिए थोड़ा सा एरिया भी चाहिए होगा। ओके मैं यहाँ पर आऊँगा तो होपफुली ये अट्रैक्ट होके आएगा। ओके ये आ नहीं रहा है, तो इसको धकेलना ही पड़ेगा मेरे को लग रहा है, क्योंकि भाई मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ से करूँ भाई, अगर मर गया तो भाई ख़त्म हो जाएगा मेरा। ओह भाई 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 भाई, भाई हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया, बधाई हो। तो यहाँ से तोड़ के इसको भेजना पड़ेगा हम लोगों को सामने की तरफ। यप सामने की तरफ भेजने के लिए हम लोग इसको यूज़ करेंगे। अरे मत मत कर भाई, तू खुद ही मरेगा भाई, थोड़ा सा हट जा पीछे, थोड़ा और पीछे हट जा, नहीं हटेगा। तो ये तोड़ के हम लोगों को थोड़ा सा ट्रैक बिछाना पड़ेगा और यहाँ से भेजेंगे फर्नेस वाला ट्रेन से इसको भेजेंगे। थोड़ा सा ट्रैक ले लेते हैं और यहाँ पर बिछाते हैं ट्रैक। हो गया हो गया हो गया, गुड 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 एनफ। तो हम लोगों को यहाँ पर ट्रैक लगा के इसको देते हैं, फर्नेस से भेजते। अटक क्यों गया भाई, जा जा। ओह शिट 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 यार, अभी मैंने यार गलत कर दिया यार, शिट मैंने ब्लॉक लगा दिया था, अब ये यहाँ पर गिर चुका है, इसको फिर से इधर से लाना पड़ेगा। जल्दी करो भाई, इसको लाओ कैसे भाई, ये तो अटक चुका है भाई, इसको धकेलूँगा तो वो जाएगा नहीं।
भाई गड़बड़ हो चुकी है भाई, गड़बड़ हो चुकी है। एक छोटा सा गलती है सब कुछ बर्बाद कर देता है भाई। इसको ढक देता हूँ क्योंकि ये अगर भर पहाड़ चल जाएगा तो भाई बहुत सीन हो जाएगा। तो इसको तोड़ के फिर से ट्रैक बिछाना पड़ेगा, उसके बाद काम हो पाएगा जो करना है हम लोगों को। थोड़ा सा पीछे हटेगा, नहीं हटेगा। ओ ओ शिट शिट, इसका हेलमेट टूट चुका है भाई। अंदर जा, अंदर जा, अंदर जा, ये जल रहा है भाई, जल रहा है यार। सब कुछ बर्बाद हो चुका है भाई, गड़बड़ हो चुका है। इसको ढकना पड़ेगा, ढक दे भाई, ढक दे। मर गया, मर गया। हद होती है भाई, जब भी मैं कुछ करने की कोशिश करता हूँ तब टूट गड़बड़ हो जाता है भाई। ओ भाई पूरा इधर तक बनाया है मैंने भाई, इतना दूर तक बनाया। अबे यार तू भी उड़ भी नहीं पा रहा हो अब। हद है यार, सब कुछ बर्बाद हो चुका है। इतना मेहनत करके बनाया भाई, देख सकते हो भाई कितना दूर तक जा रहा है। अभी फिर से बनाना पड़ेगा, शायद मास्टर वाला को लेके जाना पड़ेगा भाई। ऑल द वे फ्रॉम दिस थिंग एंड नाउ इट्स एवरीथिंग गोन। डोरेमोन पोकेमोन खत्म। फिर से इसको ट्रैक को बिछाना पड़ेगा मास्टर के घर तक, उसके बाद मास्टर वाला लेके जाना पड़ेगा। पर मास्टर वाले को लेके जाने के लिए रात होना ज़रूरी होता है, तो इंतज़ार करना पड़ेगा रात होने का, उसके बाद ही हम लेके जा सकेंगे इसको मनोज मास्टर वाले को। मनोज वाला बोल रहा है यार, मनोज तो रहता ही नहीं यहाँ पर। एनीवेज तो या गाइस, हम लोग वेट करेंगे। फाइनली रात हो चुका है और मैंने ट्रैक बिछा दिया है, तो यहाँ से पर देख सकते हो अभी मैंने भेज भी दिया है, मैंने रिकॉर्डिंग चालू नहीं किया है, वो जा रहा है ऊपर। भाई मैं क्या ही बंदा हूँ भाई, लिटरली भाई काम कर रहा हूँ लेकिन रिकॉर्डिंग करना भूल जाता हूँ। ऐसा ही होता है मेरे साथ। एनीवेज तो चलो चलते हैं ऊपर तक, मैंने भेज दिया है फंडेस वाला ट्रेन लेके जा रहा है। इसको आप लोगों को दिखाई नहीं देगा क्योंकि रात हो रहा है, तो हम लोग को जाना है ऊपर। पर मैं इसे मतलब दौड़ के क्यों जा रहा हूँ मेरे पता नहीं है भाई। उड़ भी तो सकता हूँ भाई, आई डोंट नो मैं क्या कर रहा हूँ। ओके मैं ये वॉइस ओवर कर लाऊँ इस क्लिप को, क्योंकि उस वक्त मैं रात हो रहा था, रात पे काम कर रहा था, इसीलिए मैं वॉइस ओवर करना पड़ा इस वाले क्लिप को। पर मैं पता नहीं मैं उस वक्त क्यों ऐसे दौड़ के जा रहा था, मेरे को खुद समझ नहीं आ रहा था मैं क्या कर रहा हूँ। मैं उड़ भी तो सकता था, अभी उड़ा मैं तो भाई ये क्लिप मेरे को वॉइस ओवर करने में बहुत हंसी आ रही है भाई। मैं क्या क्या बेवकूफ़ी किया है आप लोग देखो ज़रा। ओके ये वाला मतलब नीचे आ गया है, तो ये इस ट्रेन का ज़रूरत नहीं, इसको तोड़ देते। तो हाँ हमारा ये आ गया है नीचे तक, हम लोग को अब नीचे जाना है, जाके ये वाला मतलब इसको कट से उतारना है ताकि ये उधर तक जा पाए। पर मैंने एक और गलती किया है वो भी बताऊँगा आप लोगों को। मैं गलती की वजह से फेल हुआ हूँ, ऐसे नहीं है कि मैं सर्वर के लैग या फिर कुछ और वजह से मेरा फॉर्म फेल होता है, मेरा गलती की वजह से ही फेल होता है मेरा फॉर्म। ओ भाई मैं हंस रहा हूँ भाई, क्या बंदा हूँ भाई मैं। ओके इधर से भाई क्या कर रहा हूँ मैं, इधर से मतलब टूट भी नहीं सकता, ये बहुत हाइट पर है। नीचे जा भाई, नीचे जा। ओके फाइनली मैंने डिसाइड किया, उसके बाद नीचे गया और आप लोगों को दिखाई देगा। एक सेकेंड मैं बताता हूँ, तो मतलब हाँ चेन मैंने सिर्फ एक ही तरफ लगाया है, या ये जो रो देख रहे हो साइड के रो, ये वाला में मैंने लगाया ही नहीं चेन। बेवकूफ बंदा हूँ भाई मैं, चेन लगाऊंगा नहीं तो वो उधर तक जाएगा ही नहीं। ये देख सकते हो यहाँ पर खड़ा है, ये यहाँ पर ही रहेगा, ये आगे तक नहीं जाएगा। मेरे को चेन लगाना पड़ेगा उसके लिए। मेरा ये भी जोम्बी फेल हो चुका है, मेरे को एक और जोम्बी पकड़ना पड़ेगा। मेरे पक्का बता रहा हूँ ये जोम्बी मेरा फेल हो चुका है, मैंने क्लिप देख चुका हूँ तो मैं इसलिए भाई बता पा रहा हूँ। मेरा ये भी फेल हो चुका भाई, क्या भाई उड़ भी नहीं पाता हूँ मैं, हंसी आ रही है भाई। ये क्लिप देखो तुम, देखो मैं कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ, बस हंसाओगे ये देख के भाई। ओ भाई क्या क्या है मैंने भाई हक दिया है वाला। तो ये नहीं आ रहा है, मैंने बहुत देर तक यहाँ पर इंतज़ार किया ताकि वो आ जाए, पर ये नहीं आया है क्योंकि ओबियसली ये नहीं आएगा। दूसरी तरफ मैंने चेन लगाया है लेकिन इस तरफ मैंने चेन नहीं लगाया है, तो फार्म के बीचों बीच अगर चेन नहीं लगाऊंगा तो वो नहीं आएगा। देख सकते हो मैं अंदर भी जाके कोशिश किया था इसको लाने की, पर मैं फेल हो चुका हूँ। रुको रुको एक सेकेंड मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को, दो मिनट रुको।
जब मैं ये नहीं आ रहा था मतलब, तो मैंने सोचा कि अगर मैं अंदर जाऊंगा तो वो मेरे को अट्रैक्ट होके आ जाएगा, तो इसलिए बस मैं कोशिश कर किया है जाके। बाकी सारा जो स्पॉन हो रहा है मतलब स्केलेटन भी स्पॉन हुआ है अंदर, और यहाँ पर देख सकते हैं एंडरमैन भी स्पॉन हुआ है, मैं देख नहीं पा रहा हूँ पर एंडरमैन भी स्पॉन हुआ है अंदर, पर कोई आगे तक नहीं आ रहा है क्योंकि ओबियसली नहीं आएंगे भाई, चेन नहीं है। चेन से ही आते हैं जो जैसे ट्यूटोरियल पे बताया है ऐसे मैं बता रहा हूँ। एनीवेज हाँ, तो हम लोग को मतलब मैं अंदर गया उसके बाद, भाई क्या दिखा रहा हूँ आप लोगों में। ओके, अब एक ही मेरे पास तरकीब था कि मैं अंदर जाके इसको अट्रैक्ट करके लाऊँ या फिर इसको छोड़ दूँ ऐसे ही, पर मैं सोचा कि इसको ऐसे ही छोड़ दूँ बाद में दिखा जाएगा। अब मैं सीधा आया घर पे और आके मैंने सो गया, ख़त्म हो चुका है मेरा सब मेहनत बर्बाद। तो दरवाज़ा बंद करो और सो जाओ। ओके हाँ, हल्का सा एक नेप लिया और मैं उठा। उसके बाद मैं सोच रहा था कि क्या करूँ, अब मैं जाके इसको वापस लाऊँ या फिर यहीं तक ख़त्म कर दूँ। मैंने डिसाइड किया कि जाने दो, जो हुआ है देखा जाएगा, बाकी मैं किसी का मदद लेना पड़ेगा ताकि होए। बाय द वे एक और चीज़ बता रहा हूँ, ये जादू कामयाब हो चुका है हमारा, देख सकते हो यहाँ पर ये मशरूम उग गया है और ये कस्टम ट्री है मशरूम का, जो कि ओबियसली इंस्पायर्ड बाय मिथिकल सोसेज। तो ये मैंने वो रेड वाला डिज़ाइन मिथिकल का था और बाकी दो डिज़ाइन मैंने खुद बनाए हैं अलग अलग कलर का पैलेट यूज़ करके। उड़ ले भाई क्या यार, तो बाकी जो दो डिज़ाइन हैं वो मैंने खुद बनाए हैं, और या बाकी क्या ही बोलूँ, ये मैंने थोड़ा सा टेरेन को मतलब टेक्सचर देने की कोशिश किया है, डिटेल देने की, क्योंकि यह मैंने अभी तक डिटेल नहीं दिया है पूरा एरिया पर। तो फाइनली ये पूरा हो चुका है, बस बेम्बो थोड़ा ज़्यादा सा बड़ा हो चुका है तो मेरे को स्ट्रिंग लगाना पड़ेगा उसके ऊपर। हद है यार, गलतियाँ पर गलतियाँ करता हूँ। तो ये पर देख सकते हो मैंने ट्रेन को लैंडस्केपिंग थोड़ा सा किया है, फ्लावर तो भाई ओपी लग रहा है मेरे को, सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है सनफ्लावर अभी। हो गया काम ख़त्म, पैसा हजम, क्या ही बोल रहा भाई। ओके एनीवेज, तो अब लास्ट मेरा जो काम बचा है वो है एक्सेलेटर को यहाँ पर उनको रिलीज़ करना है। तो मेरे पास मैंने जितना भी पहले दिन से एक्सेलेटर को कलेक्ट किया है उनका सब को मैंने जमा मतलब एक बॉक्स पे रखा है, देख सकते हो यहाँ पर, और एक एक्सेलेटर ग्रीन लॉक का है मैं बता सकता हूँ, मैंने चुराया नहीं है बस छीना है उससे, मतलब नहीं भाई उसने छोड़ दिया मैंने उठा लिया तो वो मेरा हो गया ना भाई, ये कैसी बात हो भाई, उसने मेरे साथ झगड़ा किया है पर उसने छोड़ दिया भाई उसको, मैंने उठा लिया मेरा हो गया। हाँ ठीक है भाई, तो ये है येलो एंड ये वाला जो है शायद ब्लू है, थोड़ा सा ब्लू शेड, ये एकदम ब्लू नहीं है वो वाला जो रेयर वाला, ये वाला नहीं है पर ये नॉर्मल वाला ही है, और बाकी जो है सब वो येलो है। ये मैंने येलो वाला सब कलेक्ट किया और वो वाला ग्रीन लुक का था, तो इनको ब्रीड कराएंगे आज। मेरे पास ट्रॉपिकल फिश बहुत ज़्यादा नहीं कम ही है, मैंने जिटैन से ट्रीट किया है और भी चाहिए क्योंकि मेरे को काफ़ी ज़्यादा ट्रॉपिकल फिश की ज़रूरत पड़ने वाला है इनको ब्रीड कराने के लिए। तो एक एक करके इनको ब्रीड कराते हैं भाई। ओके तू भी आ जा खा ले भाई। हाँ तो ये दोनों को खिला दिया, बाकी पर पहचान ही नहीं आता है कौन। अरे यार तू वो ये बाकी है। ओके बाकी वो ये वो शलकर है मेरा, मैंने सोचा कि ये एक सिलेटर ले तो। हाँ एक बच्चा निकला ये वाला। ओके ये वाला नहीं है, ये वाला इसने खा लिया है, इसने भी खा लिया है, ये जो दौड़ रहा है ऊपर इसको खाना नहीं है क्या, आजा भाई। ये वाला बाकी है मेरे ख्याल से, इसको खिलाना पड़ेगा मिशन भाई, आजा भाई खा ले भाई, ये अट्रैक्ट भी नहीं क्यों नहीं हो रहा है भाई। हेलो ओके सर्वर लेग, ये नहीं है, ये खा लिया है, इसने खा लिया है, इसने भी खा लिया है, ये जो अट्रैक्ट हो रहे हैं ये इन लोगों ने खा लिया है। बाकी जो है वो हाँ ये वाला नहीं खाया है, इसको खिलाना है भाई। ये अट्रैक्ट क्यों नहीं हो रहा है मेरे को, ये क्या भाई, खा ले भाई। ये वाला शायद नहीं, ये वाला भी नहीं, कहाँ गया कहाँ गया। हाँ ये वाला,
अरे यार स्टॉप इट मैन, खाना है तो खा, नहीं तो मैं जा रहा हूँ भाई, घिन आ चुका है भाई, भाड़ में जाए, नहीं खिलाना है तेरे को, निकल। तो रख देते हैं इसको, बाकी थोड़ी देर बाद आके मैं फिर से ब्रेड कराऊंगा इन लोगों। तो मैं कोशिश करूंगा रेयर वाला ढूंढ ले कि मिल जाए तो मिल जाए, नहीं मिले तो नहीं मिले, जा बाढ़ में जाए। तो हाँ ये वाला ख़त्म हो चुका है काम, ये भी कंप्लीटेड है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कोशिश करेंगे कि फार्म बनाने के लिए, कौन सा फार्म, शुगर केन फार्म एंड एनिमल फार्म, दो काम नेक्स्ट वीडियो के लिए रखता हूँ। और बाकी हमारा जो शॉपिंग एरिया में शॉप वगैरह वो स्टॉकअप ही है, उसके लिए सोचने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि सर्वे में मैं और डीजीए ही खेलते हो, अभी भी और डीजीए ऑनलाइन है, बाकी कोई नहीं है। एनीवेज जो कल के लिए काम बचा है वो काम हम लोग जल्दी करने वाले हैं। आज की वीडियो थोड़ा सा छोटा है और कोई सक्सेसफुल वर्क नहीं हुआ है वो मेरे को पता है, बस एक्सेलेटर हुआ है और जो मैजिक है वो हुआ है, बाकी कोई सक्सेसफुल वर्क नहीं कर पाया हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली मैंने कम बैक किया है और वीडियो बनाने के लिए वक्त नहीं मिल रहा है मेरे को, और आसपास आप लोग देख ही सकते हो कि बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है। हाँ तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लो ये वीडियो। और हम लोग एक्चुअली बनाने के लिए, बनाने का पीछे एक बहुत बड़ा मतलब क्या कहते हैं भाई, हाँ जो भी है वो मेरे पीछे एक कारण है, क्योंकि मैं बहुत करीब हूँ, मेरा फर्स्ट टाइम जस्ट 3900 कितना है, तो मतलब ऑलमोस्ट हो गया है मेरा वर्स्ट है। तो बस ये वीडियो, बस थोड़ा सा दया कर लो भाई हम लोगों को। तो एनीवेज गाइस, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर से करना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर देना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।